दोस्तों नमस्कार। भगवान राम की मूर्ति स्थापित हो गई है अयोध्या में। सारे वीआईपी को मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया था। एक दर्जन से ज्यादा कैमरामैन काम कर रहे थे। आपको ज्यादा क्या दिखा, आपने ज्यादा भगवान राम की मूर्ति देखी या हमारे साहेब? खैर मुद्दा यह नहीं, मुद्दा यह है कि हमारा देश संविधान के दिशा निर्देश पर चल रहा है या नहीं, और आपको क्या लगता है सोचे जरूर, क्योंकि भारत के जितने नेता गद्दी पर विराजे हैं, संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उसके बावजूद भारत का जैसा माहौल बन गया था, लोगों को आशंका थी कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 तारीख को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से लेकर कार्यकर्ता खूब झंडा खरीदे और गली मोहल्ले को झंडा और बैनर से पाट दिए। तब भी किसी को आपत्ति नहीं हुई जब अति उत्साही लोग मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचकर मस्जिद के पास आकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। यही बात कुछ लोगों को नागावर गुजरी और यहीं से गुस्सा फूटा। हम बात कर रहे हैं नवी मुंबई पनवेल के कच्ची मोहल्ला और पटेल मोहल्ले की। गनीमत यह रही कि पनवेल पुलिस ने समय रहते वक्त की नजाकत को समझ लिए और हालात पर काबू पा लिए। अगर समय रहते पनवेल के पुलिस कर्मी अगर अपनी आँख फेर लिए होते तो न जाने कितने हिंदू मुसलमान घृणा की आग में कितने लोग बलि चढ़ गए होते। मामले की गंभीरता को देखते हुए पनवेल के मुस्लिम मोहल्ले में गली गली में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुला लिया गया है ताकि किसी भी अनैतिक तत्व के अनैतिक मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। यह नजारा पनवेल का है जहां अतिरिक्त पुलिस बल गश्त पर है। वहीं पुलिस विभाग के वाहन गली गली की निगरानी कर रहे हैं। यह सवाल उठता है कि पनवेल के विधायक भी बीजेपी के हैं, साथ ही मोहल्ले के नगर सेवक भी बीजेपी के हैं, तब क्यों नहीं उन लोगों से अपील किए कोई भी प्रभु राम का सेवक मुसलमानों के मोहल्ले में घुसकर हुड़दंग न करे? क्या उन्हें नहीं पता था कि माहौल बिगड़ सकता था? कम से कम पुलिस थाने में एक प्रार्थना पत्र दिए होते कि मुस्लिम मोहल्ले में अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा जाए, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। आखिर भाजपा के नेताओं की मंशा क्या थी, यह एक सवाल है जो पनवेल के मुस्लिम नागरिकों के दिलो दिमाग को मथ रहा है और इसका जवाब शायद ही कोई दे पाए। बात की जाए पनवेल पुलिस की, जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने बड़े ही सूझबूझ से काम लिए जिसकी वजह से तनाव नहीं बढ़ा। हम पनवेल के लोगों से मिले और उनसे बात किए, सुने कच्ची मोहल्ले और पटेल मोहल्ले के नागरिकों ने हमें क्या बताए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम पटेल। पटेल जी, ये बताएं कि जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि आपके मोहल्ले में काफी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स के जो अधिकारी है वो भी घूमते नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा इस पे कहना, जो जो दिन पहले हुआ था वो 5 मिनट में सब निपट गया। अभी इधर शांति थे, अभी इसकी कुछ जरूरत है नहीं जी। पुलिस फोर्स की भी इंशाल्लाह जरूरत नहीं और रैपिड एक्शन की भी नहीं, मगर वो उनके हिसाब से आ रहे, वो उनका काम करके जाते, मगर इधर मोहल्ले में हमारे अभी जरूरत नहीं थे। बताएं कि जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पे माहौल गर्म हो गया था और जिसकी वजह से पुलिस को अलर्ट मोड पे आना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह थी? बाहर से लोग आए जो है यहाँ पे थोड़ा जोर जोर से चिल्लम चिल्ली की, जानबूझ के लोग देखते चिल्लम चिल्ली जी। क्या चिल्ला रहे थे? वो चिल्ला रहे थे ना, वो नारे लगा थे जो बोलते ना, किसी को पकड़ के होते बोलो। अच्छा, मतलब जय जबरन यानी लोगों को बोल रहे थे कि जय श्री राम बोलो, ऐसा कुछ था? ओके, ये करना चाहते थे। बोलने का मतलब क्या, अगर ये नहीं आते इधर और ऐसा नहीं करते तो शायद कुछ भी। अच्छा, तो इसमें कुछ झड़प हो गई कि मारा मारी हो गई, ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो तो मैं भी था नहीं, तो मुझे भी इतनी मालूम थी, लेकिन बाद में ऐसा सुनने में आया कि उनको पहले समझाया गया तो ऐसा मत करो, यहाँ माहौल सही नहीं है। और फिर वो उनको ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा ये भी कि यहाँ उस टाइम पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इस मोहल्ले का अगर नाम पूछा जाए तो इस मोहल्ले का नाम क्या है? कच्ची मोहल्ला भी है, सर मोहल्ला है, पटेल मोहल्ला है। अच्छा, यहाँ पर आबादी जो जनता की, नागरिकों की आबादी की अगर बात की जाए तो आबादी किसकी ज़्यादा है? सब इधर आजू बाजू में सब मिक्स ही है, सब साथ ही रहते हैं। अभी यहाँ मुस्लिम है, आजू बाजू में गैर मुस्लिम भी है, वो सब मिलके ही रहते हैं। सब कभी ऐसा, अभी यहाँ कोलीवाड़ा है जी, यहाँ बाजू में मिर्ची गली है, यहाँ आप देखोगे तो मिर्ची बढ़ गया है, उधर आगे देखोगे बाउंड बन गया है, सब मिक्स है इसके अंदर। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि भड़काने का प्रयास किया गया, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया? फिलहाल अब स्थिति नियंत्रण में है, चप्पे चप्पे की निगरानी में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। देखना होगा हमारे देश के नागरिक कब समझते हैं कि देश के नागरिकों को बांटने का काम कौन कर रहा है, कब जनता जनार्दन की आंख खुलती है और यह बात उन्हें समझ आती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें।
तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द उसी खबर के साथ हाजिर होंगे।